बैठो बच्चों, कल तुम्हें चांद तारों वाली कविता लिखाई थी ना, आज उसका मतलब समझाऊंगा। अपनी अपनी कॉपी निकालो। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? अपनी अपनी कॉपी उठाओ, बोलते क्यों नहीं? आज पढ़ेंगे नहीं, कहानी सुनेंगे। अच्छा, तो इसीलिए ये सब शरारत थी। इम्तिहान में कहानी थोड़ी आएगी, पढ़ोगे नहीं तो पास कैसे होगे? अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। अच्छे बच्चे शोर नहीं मचाते। पहले एक ताल में कमल कुंज के अंदर रहता था एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा। कुछ दिन पहले एक ताल में कमल कुंज के अंदर रहता था एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा। खिल जाते कमल दूर दूर दूर, मोती चुगने को हंस घर से जाता निकल। रोज 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 भोर होते ही जब खिल जाते कमल दूर दूर दूर, मोती चुगने को हंस घर से जाता निकल। संध्या होते कुछ दिन पहले एक ताल में कमल कुंज के अंदर रहता था एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा। जाता था दिन तारे जाते थे खिल, सो जाते खिल मिलते वो दोनों जैसे लहरों के दिल। जल 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 छिप जाता था दिन तारे जाते थे खिल, सो जाते खिल मिलते वो दोनों जैसे लहरों के दिल। चंदा हंसता एक ताल में कमल कुंज के अंदर कौन था एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा, एक हंस का बेटी छोटी सी हंसनी। दोनों के नैनों की वो ज्योति घर की रोशनी थी। उनकी एक नन्ही सी बेटी छोटी सी हंसनी। दोनों
एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा। ऐसा तूफान आया, चलिए सी हवा। आगे क्या है दीदी? दीदी बताओ ना आगे क्या है? आगे आगे क्या हुआ ये तो मुझे भी नहीं मालूम। बहन जी, आपको बड़ी बहन जी ने बुलाया है। अच्छा, जा बैठो। अच्छा बच्चों, तुम लोग शोर मत मचाना, मैं अभी आती हूँ। आओ कविता। मैंने तुम्हारे बारे में जो अंदाजा लगाया था वो बिल्कुल ठीक निकला। बच्चे तुम्हें बहुत चाहने लगे।